मंगलमय मंगलकरण नमुताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। यहाँ सातवें अधिकार के आधार से हम चर्चा कर रहे थे व्यवहाराभासी जीवों की। सातवां अधिकार सच में सूक्ष्म भूलों को निकालने के लिए है। कौन कौन से कदम पर जाकर इस जीव की कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ रह जाती है, उन गलतियों को निकालने का यहाँ प्रयत्न किया है। धर्म करना चाहता है ये जीव जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, इसका नाम है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये वो जीव है जो जीव धर्म बुद्धि से धर्म करने वाला है। अभी तक जो जीव थे उन जीवों के तो धर्म बुद्धि ही नहीं थी, धर्म तो कर रहे थे। पिछले जो तीन प्रकार के व्यवहारावासी जीवों की चर्चा की है, नाम तो सबको याद हो गए होंगे। कुल अपेक्षा धर्म धारक, धर्म को तो धर रहे हैं लेकिन कुल की अपेक्षा से। दूसरे प्रकार के थे परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक, बुद्धि धर्म की नहीं है, आज्ञानुसारी धर्म कर रहे हैं, धर्म तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरे प्रकार के थे सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक, धर्म को तो धारण किया है उन्होंने। माने तीनों प्रकार के जो भेद पीछे बतलाए गए हैं उन तीनों में वे धर्म तो धारण करते हैं। कुल अपेक्षा धर्म धारक, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक। लेकिन इन तीनों प्रकार के धर्म धारकों में धर्म धारण कर लेने के बावजूद भी दृष्टि में धर्म करना नहीं है, क्या धर्म बुद्धि नहीं है, धर्म करने का प्रयोजन नहीं है कि तुमने क्यों किया ये धर्म। कुल में चलता इसलिए किया हमने, तो तुमने क्यों किया कि भैया आज्ञा है, भैया आज्ञा तो माननी पड़ेगी। तुमने क्यों किया भैया, प्रयोजन सिद्ध होगा हमारा, सांसारिक प्रयोजन, लौकिक प्रयोजन, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, केस निपट जाएगा हमारा, जमीन का केस निपट जाएगा, इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, झंझटें मिट जाएगी, इसलिए किया तुमने। तो तुमने धर्म जो किया, कर रहे हैं तीनों लोग धर्म। तीनों ही प्रकार की जो भूलें बतलाई है, तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों की चर्चा की है। ऐसा नहीं है कि वे धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ही कर रहे हैं ना सब कुछ, या और ये सोच करके भी कर रहे हैं धर्म करना है, लेकिन धर्म बुद्धि नहीं है, बुद्धि में कुछ और बैठा हुआ है, बुद्धि कहीं और लगी हुई है, दृष्टि कहीं और है, अभिप्राय में कुछ और बैठा हुआ है। जिनके अभिप्राय में धर्म के अलावा कुछ और बैठा हुआ हो, उन सब की चर्चा तो पीछे तीन प्रकार के व्यवहाराभासियों में कर ली। अब जिस व्यवहाराभासी जीव की चर्चा कर रहे हैं, ये व्यवहाराभासी जीव तो धर्म ही करना चाहता है, इसकी बुद्धि धर्म करने की है। क्या भरत भाई, ये जो कह रहे हैं, ये अब जिसकी जीव की चर्चा चल रही है, शायद हो सकता है इस जगह पर कहीं ना कहीं हम लोग फिट होते हो। कुल अपेक्षा से तो नहीं मान रहे भाई साहब हम, क्या
हमने तो परीक्षा कर ली, परीक्षा करके मान रहे हैं। नहीं नहीं साहब, लौकिक प्रयोजन कोई नहीं है पंडित जी हमारा, तो हम कोई ऐसा नहीं है कि हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हमारे कोई ऐसा नहीं है, भगवान के सामने खड़े हो रहे हैं तो हमारा कोई इस प्रकार का प्रयोजन नहीं है कि हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध हो जाए। क्या तबीयत ठीक हो जाए, बीमारी इलाज हो जाए, घर में सुख शांति रहे, परिवार में अनुकूलता बने, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान के सामने जाते हैं और बिल्कुल मूल प्रयोजन से बात, बस धर्म करना है हमारे को। तो बोले धर्म क्या होता है, तुम पहचानते हो कि हाँ धर्म तो जानते हैं हम। बोले क्या होता है, रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। ये हमारी चर्चा है अब, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। रत्नत्रय को धर्म कहा गया है, ये जिनवाणी की बात है, रत्नत्रय को धर्म कहा है। अब बात ये खड़ी होती है कि जब रत्नत्रय को धर्म कहा गया है तो रत्नत्रय प्रकट करो कि कर तो रहा हूँ, सम्यक दर्शन कर रहा हूँ, सम्यक ज्ञान कर रहा हूँ, सम्यक चारित्र के लिए लगा हुआ हूँ। तो बोले उसमें भी गलती रह गई है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, देवगुरु धर्म की श्रद्धा, सात तत्व की श्रद्धा, इन सब को जानकर पहचानकर ये जीव धर्म करने के लिए प्रयत्नशील हुआ है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। हेडिंग क्या दिया है, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। धर्म बुद्धि से, देखिए धर्मधारक व्यवहाराभासी तो सब थे लेकिन धर्म बुद्धि वाले नहीं थे। बात समझ रहे हैं आप, ये जो लोग हैं ये लोग कौन हैं? धर्मधारक तो चारों प्रकार के व्यवहाराभासी हैं, कुल अपेक्षा वाले भी धर्मधारक हैं, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी भी धर्मधारक हैं, सांसारिक प्रयोजनार्थ भी धर्मधारक हैं और धर्म बुद्धि से भी धर्मधारक हैं। तो धर्मधारक तो चारों लोग हैं, चारों प्रकार के व्यवहारावासी हैं, लेकिन इनमें से जो चौथे वाले हैं इनकी बुद्धि लौकिक पर नहीं है, इनकी बुद्धि तो पारलौकिक पर है। ये तो सच में धर्म करने की भावना से बोले, नहीं नहीं मैं उलझूंगा नहीं, मैं तो सच में धर्म करूंगा, मैं मुझे धर्म करना है, रत्नत्रय प्रकट करना है मेरे जीवन में, ये ऐसे व्यक्ति है। देखिए एक बार हेडिंग के ऊपर की तीन लाइनें देख लीजिए, कल हमने पढ़ दी थी, यद्यपि छः देख सकते हैं पूरी की पूरी, प्रकरण अपन ने कल ख़त्म कर दिया था। 221 नंबर पेज देखिए, 221 नंबर पेज ऊपर पहली लाइन से, कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, ऐसे हो गए ना। पहले प्रकार के जीव कुल में बड़े प्रवर्तते हैं साहब, इसलिए करना, अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, वह ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी। तीन बातें ले लिए एक प्रकार से इसमें भी, यहाँ इस ये जो पैराग्राफ की ढाई लाइनें दी है इसमें तीनों प्रकार के व्यवहार आवास, क्योंकि सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा चल रही है ना। तो टोडरमल जी ने हेडिंग क्या दिया यहाँ कि तीनों प्रकार के व्यवहारावासियों की सामान्य प्रवृत्ति, तो उनके दिमाग में घूम रहा है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं इसमें तीनों प्रकार के व्यवहारावासी लोग फिट होने चाहिए। तो एक तो कह दिया कुल में बड़े प्रवर्तते हैं, एक तो ये बात हो गई, और फिर दूसरे करते हैं वैसा कर लेना, बस परीक्षा नहीं करी उसने, मतलब ऐसा ही करना चाहिए हमारे को। तीसरे प्रकार के वो हो गए जिनका सांसारिक प्रयोजन दिखाई दे रहा है, इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। ये अभूतार्थ की व्याख्या खूब की जा सकती है। अभूतार्थ किसे कहते हैं? अभूतार्थ कहते हैं व्यवहार, अभूतार्थ माने व्यवहार है, व्यवहार ने का विषय अभूतार्थ होता है। भूतम अर्थम प्रद्योत्यति इति भूतार्थ है, और अभूतम अर्थम प्रद्योत्यति इति अभूतार्थ है। अभूत अर्थ, अर्थ माने होता है प्रयोजन और आ माने होता है नहीं, तो जो और अर्थ माने प्रयोजन हो गया और भूत को भूत रहने दो। देखो इस शब्द का अर्थ बतला रहा हूँ, अभूतार्थ शब्द को बतला रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभूतार्थ माने क्या है? अभूत अर्थ, तीन टुकड़े कर दिए अपन ने, अभूत अर्थ, अब इसका अर्थ कर रहा हूँ सिर्फ और कुछ नहीं। अभूत अर्थ, अभूत अर्थ, सिर्फ अर्थ माने होता है प्रयोजन, और इसको उठा करके यहां रख दो बीच में, ऐसा कर दो तो क्या हो गया? अ
प्रयोजन भूत, अर्थ माने प्रयोजन होता है, तो अभूतार्थ माने अप्रयोजन भूत। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ शब्द को आगे पीछे किया है, तो अभूतार्थ माने अप्रयोजन भूत, जिससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ऐसे धर्म को साधता है। धर्म को साध रहे थे ये सब लोग, कुल अपेक्षा से धर्म को परीक्षा रहे थे, धर्म तो कर रहे थे, मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि धर्म धारक माने धारण करने वाले, धर्म धारक तो सब थे, धर्म को धारण करने वाले थे, लेकिन कैसे धर्म को धारण करने वाले थे, जिस धर्म को धारण करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ऐसे धर्म को धारण करने वाले थे, ये तीनों प्रकार के व्यवहारावासी। फिर आगे देखिए, तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलाधिक बुद्धि है। अब मिक्सअप भी है इन तीनों में, जो कुल वाले हैं उनके कभी सांसारिक प्रयोजन भी होता है, जिनके सांसारिक प्रयोजन है वो कभी कहते हैं आज्ञा ऐसी कहिए, वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे कुल में भी चलता है, तो ऐसा मिक्स भी चलता है, ऐसा भी कह सकते हैं, कभी कुछ बुद्धि होती है, कभी कुछ बुद्धि होती है, कभी किसी तरह की बुद्धि होती है ना, अलग अलग तरह की बातें दिमाग में चलती रहती है, कभी तो कहते हैं नहीं नहीं भैया मैं जैन हूँ मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ये कुल अपेक्षा हो गया, कभी कहता है नहीं 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 भगवान की आज्ञा है इसलिए करना चाहिए, और कभी कहता है अरे यार इतना बड़ा संकट आ गया है अब तो भगवान ही भला कर सकते हैं, तो फिर भगवान पर आ जाता है, सांसारिक प्रयोजनार्थ पर आ जाता है। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तीनों अलग अलग भी कह दिए और तीनों को मिक्स भी कर दिया, माने मिक्स वाले लोग ज़्यादा होंगे समाज में, तलाशेंगे तो कभी तो कोई प्रयोजन कि भैया मंदिर क्यों जा रहे हो, तो कभी कोई व्यक्ति ऐसा भी मिल जाएगा, नहीं नहीं कोई ऐसा कोई कि तबीयत तो ठीक है कि हाँ ठीक है, फिर क्यों जा रहे हो मंदिर की, नहीं नहीं मंदिर तो जाना चाहिए, तो फिर अब वो प्रयोजन नहीं रहा उसका, अभी वो सांसारिक प्रयोजन से नहीं जा रहा है वो, क्योंकि ऐसे भी तो रोज़ाना दिखते हैं ना, रोज़ाना मंदिरों के अंदर भीड़ लगी रहती है, दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं लोग, सारे समाज के सब लोग, दर्शन तो करना चाहिए, दर्शन तो करना चाहिए हमारा, तो फिर आपका कोई प्रयोजन कुछ नहीं, बस दर्शन करना चाहिए, तो कुल अपेक्षा हो गए। अब संकट आ गया तो फिर दर्शन के साथ साथ में प्रयोजन भी खड़ा हो गया सांसारिक, तो कुल अपेक्षा के साथ साथ में प्रयोजन भी खड़ा हो गया, तो ये साथ में चलने लग गए इस तरह की प्रवृत्तियाँ। तो ये कह रहे हैं कितने ही ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलाधिक बुद्धि है, कुछ धर्म बुद्धि है। अब कुछ धर्म बुद्धि कैसी, कि ये धर्म बुद्धि वाले इन तीनों के साथ साथ कुलाधिक के अंदर तीनों बातें लेना, देखना अभी आपको ऐसा लगेगा कि साहब इन तीनों के धर्म बुद्धि, नहीं 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 धर्म बुद्धि वाले नहीं है ये लोग, लेकिन जो धर्म बुद्धि वाले लोगों की चर्चा आगे चौथे नंबर पर करने वाले हैं, वो चौथे नंबर वाले जीवों के साथ साथ में कभी कभी कुलाधिक भी साथ में हो जाता है, धर्म बुद्धि के साथ साथ में कुल भी हो जाएगा, धर्म बुद्धि के साथ साथ में आज्ञानुसारी भी हो जाएगा, धर्म बुद्धि के साथ साथ में सांसारिक प्रयोजन भी हो जाएगा, ऐसा। तो ध्यान दीजिए शब्द क्या हैं, एक एक शब्द, अरे आदि शब्द का प्रयोग भी यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल बात कहना चाहते हैं टोटरमन जी। कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो क्या है, कुलादि बुद्धि। कुलादि बुद्धि का मतलब तीन बातें, तीनों प्रकार के व्यवहारावासी ले लिए यहां, कुछ तो कुलादि बुद्धि है, इसका मतलब तीन प्रकार के व्यवहारावासियों जैसी बुद्धि है, और कुछ साथ में क्या है, धर्म बुद्धि भी है क्या, ये चौथी। कुलादि बुद्धि के अंदर तीन ले लिया और कुछ धर्म बुद्धि है इसमें चौथी बात ली, तो चारों हो गए यहां, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए चौथे की भूमिका बना रहे हैं। इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं, ये तो तीनों तो वो हो गए, पूर्वोक्त प्रकार साधन करते हैं, ये तीनों प्रकार के हो गए, और कुछ आगे कहते हैं उस प्रकार से, अब ये जो चौथे वाले की कुछ आगे कहते हैं माने चौथे प्रकार वाले, उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं, मिश्र पना पाया जाता है। ठीक है, अब चौथे की तरफ बढ़िए, धर्म बुद्धि वाले, हेडिंग पढ़ लिया अपन ने, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारावासी, एक एक शब्द ख्याल में आ रहा है, धर्म बुद्धि माने अभिप्राय में खोट नहीं है,
अभिप्राय में खोट नहीं है, मतलब देखो अभिप्राय तो खोटा ही है जो कि मिथ्या दृष्टि है, लेकिन अभिप्राय में खोट नहीं है, मतलब चाहता तो सही है, ये कह रहे हैं। अभिप्राय में खोट नहीं है मतलब चाहता तो असली चीज़ है, माल तो असली चाहता है, अब परीक्षा नहीं है कि बुद्धि नहीं है कि समझ नहीं पा रहा है कि थोड़ा सा शिथिल हो गया है, सही निर्णय नहीं कर पा रहा है, गलत कसौटी के ऊपर कस दिया है, कसौटी पर तो कसना चाहता है। जो सेकंड नंबर वाला व्यवहारावासी था वो कसौटी पर नहीं कसना चाह रहा था, समझना, बहुत बहुत मार्मिक बातें हैं, बैलेंस रखेंगे एक दूसरे के साथ में कंपेरिजन करेंगे तो बातें समझ में आएगी। सेकंड नंबर वाला जो व्यवहारावासी था ना, आज्ञानुसारी वाला, परीक्षा रहित वाला, वो तो परीक्षा करना ही नहीं चाहता था, वो तो परीक्षा से ही दूर था, वो तो बार बार में तर्क ये दे रहा था कि नहीं परीक्षा की जरूरत नहीं, भगवान कह रहे हैं फिर परीक्षा की क्या जरूरत है, तो वो तो आज्ञानुसारी था। अब यहाँ जो व्यक्ति है ये कह रहे हैं ये आज्ञानुसारी नहीं है, ये परीक्षा करता है, परीक्षा करता है, लेकिन जिस कसौटी पर कस करके परीक्षा करता है वो कसौटी में ही गड़बड़ है, ये मूल गड़बड़ हो रही है। हम लोग भगवान को क्यों मान रहे हो, अभी सारी चर्चाएं नीचे आने वाली है, भगवान को क्यों मान रहे हो भाई साहब, हम भगवान को क्यों नहीं मानेंगे भाई साहब, तो कौन से भगवान को मान रहे हो, कि अपने जो भगवान है उनको ही मानेंगे, दूसरे भगवानों को नहीं मान रहे, दूसरे जगत के देवी देवताओं को नहीं मान रहा है, फिर क्या गड़बड़ी रह गई है कि अपने भगवान को जो मूल बातें थी उससे नहीं मान करके किसी और लक्षण से मान रहा है। ऐसा देखिए, धर्म बुद्धि है, धर्म बुद्धि क्या चीज है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भावना से, इसका नाम है धर्म बुद्धि, रत्नत्रय की भावना से। मैंने जब सातवें अध्याय को आपको ऐसा समझाया था कि सातवें अध्याय के अंदर क्या क्या प्रकरण आने वाले हैं, जब ये बात आपको बतलाई थी तो मैंने कहा था कि कितने प्रकार, सबसे ज़्यादा बड़ा विस्तार दिया है इन्होंने इस चौथे प्रकार के व्यवहारावासी का। मैं फिर एक बार आपके दिमाग में इस चौथे प्रकार के व्यवहारावासी जीवों का जो विषय है, जिस विषय वस्तु को ये लोग ग्रहण कर रहे हैं चौथे प्रकार के व्यवहारावासी, उसे एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या तो बोले सम्यक, इसमें तीन तो मेन प्रकरण दिए चौथे प्रकार के व्यवहारावासी में, सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, ये तो तीन मुख्य प्रकरण दे दिए। सब धर्म बुद्धि वाले हैं, ये धर्म बुद्धि से धर्म करने वाले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब सुनना, सम्यक चारित्र को रहने दो, सम्यक ज्ञान को रहने दो, सम्यक दर्शन का बहुत विस्तार किया, तो सम्यक दर्शन के विपरीत स्वरूप में, अन्यथा स्वरूप में, ये दो भागों में बांट दिए इसको, फर्स्ट वाले को, एक लिया देवगुरु धर्म वाला पार्ट और दूसरा लिया सात तत्व वाला पार्ट। इसमें सम्यक दर्शन में देवगुरु धर्म, क्योंकि भाई देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का है शास्त्र में, और सात तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का है शास्त्र में, तो बोले देवगुरु धर्म की श्रद्धा होनी चाहिए। तो फिर टोटरमल जी ने कहा कि देव में क्या क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या देव के स्वरूप में, देव भक्ति में क्या गड़बड़ कर रहा है, गुरु भक्ति में क्या गड़बड़ कर रहा है, शास्त्र भक्ति में, धर्म या भक्ति में क्या गड़बड़ कर रहा है ये। फिर दूसरा का सात तत्वों के अंदर जीव अजीव के संबंध में क्या भूल कर रहा है, आश्रव बंध संवर्धन मोक्ष आदि की भूल में क्या क्या भूलें कर रहा है। तो ये सारा प्रकरण ये किस में आएगा, सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में। फिर सम्यक ज्ञान की चर्चा करेंगे, फिर सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा करेंगे, तब जाकर के ये पूरा होगा धर्म बुद्धि से धर्म धारक। मतलब ये जो पूरा प्रकरण धर्म बुद्धि से धर्म धारक वालों का ये दिया जा रहा है, इस पूरे प्रकरण में रत्नत्रय की चर्चा है, देवगुरु धर्म की चर्चा है, सात तत्वों की चर्चा है, तत्वों के संदर्भ में भूलों की चर्चा है, ये मूल बातें कर रहे हैं। अभी लौकिक इधर उधर की बातें नहीं है कुछ भी। क्या सो कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं बहुत सारे लोग, परंतु बुद्धि तो धर्म की है, करना तो चाह रहा है धर्म, परंतु निश्चय धर्म को नहीं साधते। क्या निश्चय धर्म को साधते नहीं है, असली धर्म को नहीं साधते हैं निश्चय धर्म, वास्तविक धर्म, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। देखो अब इससे स्पष्ट हो गई होगी आपको बात, निश्चय धर्म को नहीं साधते,
तो क्या साधते हैं? इसलिए अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। अभूतार्थ धर्म क्या होता है? अभी हमने किया ना, अभूतार्थ माने अप्रयोजन भूत, और धर्म अप्रयोजन भूत धर्म कैसा है? बोले व्यवहार धर्म अप्रयोजन भूत है, ऐसा समझ लीजिए। उसको क्या करते हैं? साधते हैं। अभूतार्थ धर्म को साधते हैं माने गलत धर्म के मार्ग पर लग गए हैं। क्या? निश्चय को तो पहचाना नहीं, असली चीज को तो पहचाना नहीं, मूल चीज तो दिमाग ऊपर से निकल गई क्या, और नकली चीज रह गई। नकली मतलब निश्चय के साथ वाली, असली व्यवहार तो निश्चय के साथ में होता है। अब निश्चय वाला जैसे कहते हैं ना, ऐसा समझ लो आप, ये वो जीव है अभूतार्थ धर्म को साधने वाला जीव, जिसको पतासे में रख करके दवाई खिलाई, कुनैन खिलाई, प्रसिद्ध उदाहरण है पतासा, मीठा वाइट कलर का जो आता है ना, क्या कहते हैं पतासा कहते हैं हमारे यहाँ, तो इधर तो पतासा, पताशे में अब बतासा कहते हैं, जो भी कहते हैं, वाइट कलर का ऐसा फूला हुआ सा आता है, चीनी का शुगर का होता है वो एक बना हुआ। अब वो उसको थोड़ा सा ऊपर से फोड़ा और उसको फोड़ करके उसके अंदर कड़वी दवाई डाल दी क्या, और कहा ले भैया क्या, बतासा कहते हैं कहीं कहीं पतासा कहते हैं, जो भी समझ लो आप। तो अभी अभी उसमें क्या किया, कड़वी दवाई डाली और ले भैया बच्चे को खिला दिया। अब वो बच्चा ऐसा है, वो अब उसके लालच में खा लेता है, एक तो ये हो गया समझदार। अब ये ना समझ ऐसा हो गया कि उसमें जो असली जो दवाई थी ना, उसको तो ये काला काला क्या दिख रहा है, उसको तो चुपचाप मम्मी तो देख करके चले गई खाने के लिए। अब उसको अंदर जो थी काली दवाई, उसको निकाल करके तो फेंक दिया और पतासा खा गया। समझ में आई बात? अब जो प्रयोजन भूत जो था ना, उसको तो निकाल करके साइड में कर दिया और ये पतासा खा गया। तो निश्चय है वो चीज, मूल प्रयोजन भूत चीज वो दवाई, और ये जो पतासा है ये है अप्रयोजन भूत। ये अप्रयोजन भूत कब है? जब निश्चय के साथ में नहीं हो तो बेकार है ये, और निश्चय के साथ में हो तो काम कर जाएगा। समझ में आ रही है बात भाई? निश्चय के उस गोली के साथ में ये पतासा साथ में यदि है तब तो ठीक है। समझ में आ रही है बात? माने अंदर में तीन, जैसे मान लो मुनि धर्म की बात करो तो अंदर में सम्यक, ये क्या कहेंगे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव, ये तो है निश्चय, और इसके साथ में बाहर में 28 मूल गुणों का पालन, वो है व्यवहार। अब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव के साथ यदि 28 मूल गुणों का पालन हो तब तो परम चलेगा, बराबर गाड़ी दौड़ेगी। अब ये जो मूल जो था अंदर में शुद्धोपयोग, अंदर में रत्नत्रय, अंदर में असली धर्म, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाला, ये तो कुछ धरा रह गया, और बाहर में भले ही ये पालन करे तो बोले प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अप्रयोजन भूत रह गया तेरे। नहीं नहीं साहब, पूरे पालन कर रहा हूँ साहब, सही से पालन कर रहा हूँ साहब, दोष नहीं लगा रहा हूँ साहब, बोले तो भी प्रयोजन नहीं सदेगा तेरा, प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। कि साहब पूरे 28 पालने पर भी, कि बिल्कुल पूरे 28 पाल निरतिचार पालने का प्रयत्न कर, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, क्योंकि अंदर का जो माल था ना मूल, वो मूल नहीं है, वो प्रयोजन वो चीज निकल गई। तो ये जो व्यवहारवासियों के साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो धर्म बुद्धि से धर्म करने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके साथ में असली प्रॉब्लम ये हो गई कि मूल चीज, अब मूल की बात भी करते हैं क्योंकि रत्नत्रय की बात तो कर रहे हैं क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की चर्चा तो कर रहे हैं, तत्व की चर्चा तो कर रहे हैं, तत्वों के नाम भी जानता है, जीव अजीव आश्रव वन संवरण जरा मोक्ष ये भी कहता है, तत्वार श्रद्धा होना चाहिए। ये सब होते हुए भी कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग है। वो क्या चीज मिसिंग है? बोले वो है असली धर्म, भूतार्थ धर्म, प्रयोजन भूत धर्म, निश्चय धर्म, ये मिसिंग है वहां, इसलिए ये जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है। बोलो, देखिए क्या कह रहे हैं यहां 221 नंबर पेज पर, जो बात पढ़ी है बहुत भाई, ये इन तीन लाइनों में पूरा का पूरा धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारवासी, मतलब ये चौथे प्रकार के व्यवहारवासियों का क्राइटेरिया दे दिया 2.25 लाइन में।
वर्णन तो आगे करेंगे विस्तार से। इन सवा दो लाइन में पूरा का पूरा क्राइटेरिया बतला दिया गया कि आखिर में है क्या चक्कर, क्या है ये। यदि सवा दो लाइन आपके कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको सारी भूलें पकड़ में आती चली जाएगी कि आखिर ये गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो हो रही है। नहीं तो मूल चीज को ध्यान लक्ष्य में मत लो तो आपको लगेगा यार इतना धर्मात्मा तो है, इतना धर्मात्मा है भाई साहब, कितना धर्म कर रहा है भाई साहब, बोलो क्या। अब इसको श्रावकों के ऊपर घटित करके देख लो, जैसा हमने मुनिराज के संदर्भ में कहा है। अब इसमें क्या होगा, असली रत्नत्रय को तो अपन ने पहचाना नहीं, और रत्नत्रय के साथ में जो व्यवहारिक क्रियाएं थी उनको पालन करके अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ लिया, ऐसा लगा लो। क्या मुनिराजों के ऊपर आसानी से घटित होती हुई दिखती है, इसलिए मैंने मुनिराज का उदाहरण दिया। इसमें भी लगा लीजिए, अपन लोगों के ऊपर लगा लीजिए। समाज में मैंने ऐसा देखा है, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, समाज में सामने बैठी हुई भीड़ और पब्लिक, उनको कह देते हैं आप सब सम्यक दृष्टि हो, ऐसा। इतना सस्ता सम्यक दर्शन, क्या कहते सब लोग, अरे सम्यक दर्शन तो है आप लोगों का, देखो भैया तुम यदि रात्रि भोजन करोगे तो तुम्हारा सम्यक दर्शन चला जाएगा, इसका मतलब सम्यक दृष्टि तो हो। वो क्या कह रहे हैं, तुम जैन कुल में पैदा हुए हो इसका मतलब सम्यक दृष्टि तो हुई, तुम दूसरे देवी देवताओं को नहीं मानते हो इसका मतलब तुम सम्यक दृष्टि तो हुई, यही सम्यक दर्शन है। ऐसे लोगों की बात चल रही है, बोलो। ये सब लोग ऐसे हैं, सब दुनिया में तो खूब चर्चाएं सारे समाज में घूमते हैं ना, दुनिया भर में सब पक्ष वालों के यहाँ, सारे संप्रदाय वालों के यहाँ, क्या दिगंबर जैन समाज का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो पक्ष मुझे ससम्मान बुलाता नहीं हो, सब सबके यहाँ जाते हैं, सब बुलाते हैं, सुनते भी हैं सब। कितना समझेंगे वो अलग मैटर है, झगड़ा नहीं है हमारा किसी से, मेरा कहने का मतलब ये है किसी से विवाद नहीं है। तो मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, मैं लोगों से समाज के बीच में उठते बैठते हैं, अरे अरे आप सम्यक दृष्टि, आप मिथ्या दृष्टि हो क्या, आश्चर्य करते हैं। कोई व्यक्ति कह दे कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसा ऐसा सुनकर के उन्हें आश्चर्य होने लगता है, आप मिथ्या दृष्टि हो, इतना धर्म पढ़ करके भी मिथ्या दृष्टि, आप कैसे मिथ्या दृष्टि हो सकते हो, आप तो सम्यक दृष्टि हो, आप तो सम्यक दृष्टि हो, ऐसा समझते हैं, बोलो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब सम्यक दर्शन में दो तरह की बातें हैं, एक है निश्चय सम्यक दर्शन, एक है व्यवहार सम्यक दर्शन। जैसे अपने मुनि भूमिका में लगाया ना, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो शुद्धता शुद्ध परिणति है, शुद्धोपयोग जो भी है, वो था निश्चय, निश्चय मुनि धर्म। और बाहर में 28 मूल गुणों के पालन वगैरह की जो बातें थी वो सब थी व्यवहार मुनि धर्म, निश्चय के साथ में व्यवहार। अब यही चीज गृहस्थ जीवों के ऊपर लगाओ, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, तो बोले देवगुरु धर्म कुदेवादिक को नहीं मानता है, अष्ट मूल गुणों का पालन करता है, अनीति अन्याय अभक्ष्य जीवन में नहीं दिखाई देता है, सामान्य सदाचार दिखाई देता है, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के इसके जीवन में दिखाई देता है, ये सब व्यवहार, अभक्ष्य नहीं खा रहा हूँ, शुद्ध सात्विक मेरा जीवन है, मंदिर जाता हूँ, सच्चे देव को ही मानता हूँ, तत्वों को भी मैं समझ रहा हूँ, तब तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ ना, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन। अब बोले तेरे अंदर में मिथ्यात्व का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, अंदर में दर्शन मुनि गया या नहीं गया है, अपने आत्मस्वरूप को मूल में पहचाना या नहीं पहचाना, भेद विज्ञान करते हुए आत्मस्वरूप की श्रद्धा हुई कि नहीं। बोले यार वो सब घृण तो भी कर रहा हूँ, ये सब कर तो रहा हूँ मैं सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन है। तो बोले ये निश्चय सम्यक दर्शन तो था नहीं, ये मूल तो हो गया गायब, जो दर्शन मोनी के उपशम शेष उपशम से होगा, जो आत्मश्रद्धान का नाम है, जो आत्मानुभूति का नाम है, ठीक है ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, वो तो अलग रह गया, उसे तो नहीं पहचाना। और ये सब करते हुए भैया कितना शास्त्र स्वाध्याय करता हूं, यही तो सम्यक ज्ञान है। लो अब मूल चला गया और ये सम्यक ज्ञान समझ लिया कि साहब चारित्र, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, पानी छान करके पीता हूं, जमीकंद का त्याग है, सब कुछ बाजार का सेवन नहीं करता हूं, शुद्ध सात्विक आचरण है, ये सम्यक चारित्र है। तो बोले भैया सम्यक चारित्र, चारित्र गुण की सम्यक पर्याय होगी ना। अब ये मूल पॉइंट पर दृष्टि नहीं है उसकी, सम्यक चारित्र क्या होगा। बोले चारित्र गुण की सम्यक पर्याय का नाम सम्यक चारित्र है ना, तो चारित्र गुण शरीर में है कि चारित्र गुण आत्मा में है,
कि साहब चारित्र नाम का गुण तो आत्मा का है, तो तू सारा चारित्र शरीर का दिखा रहा है। रात को नहीं खाता हूँ, आलू प्याज नहीं खाता हूँ, पर तू जितने चारित्र की दौड़ फिर कह रहा है मैं सम्यक चारित्र हो गया है। तो सम्यक चारित्र तो अंदर में आत्मा में होगा, चारित्र गुण की निर्मलता का नाम है। अब तो चारित्र गुण की निर्मलता की तरफ तो दृष्टि नहीं है, ज्ञान की निर्मलता की तरफ तो दृष्टि नहीं है, सम्यक ज्ञान की तरफ तो, और शास्त्र ज्ञान को सम्यक ज्ञान समझ रहा है। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं, उसकी तरफ तो दृष्टि नहीं है और ये समझ रहा है ऐसा। इसका नाम है निश्चय धर्म को तो साधते नहीं है, पहचानते नहीं है, निश्चय धर्म की तो खबर नहीं है, और व्यवहार धर्म को साधते हैं। ये यहाँ अभूतार्थ धर्म को साधते हैं, ये इस लाइन का मर्म है। देखो क्या क्या लाइन कह रहे हैं यहाँ पर, कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं परंतु परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। अब निश्चय धर्म जो है आत्मश्रद्धानम, आत्मश्रद्धान का नाम निश्चय धर्म है। वेद विज्ञान भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, धर्म तो है वेद विज्ञान, वेद विज्ञान निश्चय धर्म तो है लेकिन वो सम्यक ज्ञान रूप है, ठीक है ना। इसलिए निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए क्या अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं, क्योंकि निश्चय पकड़ में आया नहीं और अभूतार्थ धर्म को साध रहे हैं। वहां व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। देखो आगे नहीं बात, इस वाक्य के अंदर पंडित जी ने स्पष्ट कह दिया व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, इनको ही मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। भैया मुझे तो सम्यक दर्शन लेना है, मुझे सम्यक ज्ञान करना है, मुझे सम्यक चारित्र वाला होना है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के लिए क्या करूं? बोला एक काम करो यार, सम्यक दर्शन तो अभी पता नहीं लग रहा है, एक काम करो पहले चारित्र ले लो, सम्यक दर्शन तो वो बाद में कर लेंगे, लेने तो तीनों ही हैं, सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए, सम्यक चारित्र भी चाहिए, लेने तो तीनों ही हैं। तो एक काम करो सम्यक दर्शन बाद में कर लेंगे, ज्ञान के लिए अपन प्रयास रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और चारित्र भी ले लो तुम तो, एक काम करो व्रत ले लो, व्रत ले लो तुम तो। तो व्यवहार धर्म को साध रहा है, उसको मोक्ष मार्ग जान रहा है, उसका साधन कर रहा है, उसमें लगा हुआ है, दिन रात एक कर रहा है उसके पीछे, व्यवहार धर्म के पीछे। सो ये तीनों की बातें आ गई, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। अब कैसा साधन करते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए क्या साधन किया, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए कहाँ लगा रहा, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किस तरह का है जहाँ ये जीव अटका हुआ है। तो बोले ये जो तीन शब्द दिए हैं व्यवहार रत्नत्रय, इसको मोक्ष मार्ग, तो बोले अब इसका हम शुरू कर रहे हैं सम्यक दर्शन से। तो सबसे पहला हेडिंग दिया सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, बहुत विस्तार से चलेगी चर्चा, मुझे लगता है महीना भर भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं है, और भी ज़्यादा लग सकता है। मैंने अभी कौन बतला रहा था मेरे को, अरुण जी बतला रहे थे हमारे जो संभालते हैं, कि पहले जो इस व्यवहारवासी प्रकरण पे प्रवचन किए हैं तो 154 प्रवचन किए, क्या 154 के 134 इतने प्रवचन हैं इस व्यवहारवासी प्रकरण पे, क्या जब पहले चला था तब की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि इतने प्रवचन किए हैं इसके ऊपर, हाँ पुराने हैं सब, देखो सब ऑडियो हैं वो सब पुराने। यहाँ क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। अब एक और बड़ी गजब की बात, हमारे अवैजी भाई साहब हैं देवलाली वाले, वो जब इसी प्रकरण को जब सम्यक चारित्र वाला प्रकरण जब पढ़ाते हैं, हमारे वो क्रिया परिणाम अभिप्राय लिखा ना उन्होंने, तो वो सेम यही हेडिंग है, जैसे सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, फिर लिखा सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, वो हेडिंग है 238 नंबर पेज पर, 238 नंबर पेज पर सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। तो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप जो लिखा उसमें क्या बात की, बोले सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप में वो समझाते हैं ऐसा, भाई साहब मुझे याद आ रही है बात, वे ऐसा कहते हैं बोले सम्यक चारित्र भी कह रहे हो और फिर अन्यथा भी कह रहे हो, जब अन्यथा है तो सम्यक कैसे हो सकता है, और यदि सम्यक है तो फिर अन्यथा कैसे हो सकता है। बात समझ में आई क्या? इस हेडिंग की बात कर रहा हूं यहां, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप क्या, 889 प्रवचन है इस व्यवहारवासी पे,
देखो जरा क्या कह रहे हैं, देखो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, तो सम्यक दर्शन है या अन्यथा है? अन्यथापन होगा तो क्या सम्यक दर्शन होगा? क्या अन्यथापन होगा तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है ना? क्या अन्यथापन में सम्यक दर्शन हो नहीं सकता? और यदि तुमने सम्यक दर्शन ही कह दिया तो फिर अन्यथापन कैसे होगा? फिर तो ये कह दो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, इसकी जगह ऐसा हेडिंग दिया जाना चाहिए था मिथ्या दर्शन का स्वरूप। क्या एक ही बात है? नहीं है एक ही बात, ये बारीक है, ये भाषा का फर्क है। टोटल पंक्तियों की गहराई समझाऊंगा मैं आपको, किस गहराई में जाकर की बातें कही है। मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहना होता तो मिथ्या दर्शन का स्वरूप तो पीछे मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, मिथ्या दर्शन का स्वरूप ये तो चौथे अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। क्या तो चौथे अध्याय वाले में जो चर्चा की है मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा है वहां, यहां मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का स्वरूप नहीं करेंगे इस अध्याय में, यहां सम्यक दर्शन का अन्यथा कहेंगे, सम्यक ज्ञान का अन्यथा कहेंगे, सम्यक चारित्र का अन्यथा कहेंगे। और वहां क्या कहा था चौथे अध्याय में, वहां मिथ्या दर्शन का स्वरूप का है, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप का है, मिथ्या चारित्र का स्वरूप का है। तो सब बात तो एक ही हो गई कि नहीं नहीं फर्क है दोनों में। क्या फर्क है दोनों में? बोले दोनों में ये फर्क है, वहां तो मान्यता ही उल्टी थी क्या, और यहां मान्यता उल्टी नहीं है क्या? कि मान्यता तो उल्टी है लेकिन सही रास्ते पर चलते चलते भ्रमित है, ऐसा समझ में आ रही है बात? इसका जो रास्ता है ना ये सही दिशा में चलते चलते भ्रम रूप है, ये चलता जा रहा है, ये गड़बड़ है इसकी। सम्यक दर्शन तो समझता है कि रत्नत्रय का नाम है, सम्यक दर्शन तो समझता है कि देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम है, ये समझता है ये, लेकिन देवगुरु धर्म के स्वरूप के बारे में गड़बड़ कर दी तो बोले सम्यक दर्शन तो समझा लेकिन अन्यथा समझा, अन्यथा स्वरूप हो गया। समझ में आ रही है बात? वो तो देवगुरु धर्म ही नहीं मान रहा था मिथ्या दृष्टि, वहां जो मिथ्या दर्शन की चर्चा की थी वो तो देह में एकत्व बुद्धि वाले की चर्चा की थी, अनादि मिथ्या दृष्टि की चर्चा की थी, मिथ्या दर्शन का स्वरूप बतलाया था। अब यहां सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति, वो सही रास्ते पर चलना चाहता ही नहीं था ऐसा व्यक्ति था। समझ में आ रही है बात? आग्रहित मिथ्यात्व की बात थी वहां। अब यहां क्या है, यहां पढ़ने वालों की भूल है, यहां समझदार लोगों की भूल है, यहां धर्म करना चाहने वाले क्या गलती कर बैठते हैं, ये वो बारीकियां बतला रहे हैं। मैथमेटिक्स का सवाल करते करते आपको पूरा सवाल आता है, फिर भी टीचर ये समझा रहा है कि बेटा ध्यान रखना इस जगह पर अच्छे अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग क्या ये चूक कर जाते हैं। समझ में आ रही है बात? 2+2 × 2 है ना, और 2 × 2 + 2 दोनों का जवाब अलग अलग होगा। बेटा वो बात बतला रहे हैं, टीचर क्या कहता है मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला, बेटा मैं तेरे को वो बिंदु बतला रहा हूं जिस बिंदु पर लोग चूक कर जाते हैं, बोर्ड मास फॉर्मूला लगेगा क्या, दोनों में फर्क पड़ जाएगा। अभी अभी ये बारीक नहीं समझ पा रहा है उस मूल मुद्दे को, हमें पता है तो इस जगह पर जाकर के अटक जाएगा, देखना सावधान, इस जगह पर सावधानी रखना जरूरी है इन इन बिंदुओं के ऊपर थोड़ी बहुत, क्योंकि बारीक बात रहती है और चूक जाता है व्यक्ति, ध्यान नहीं रख पाता है, गड़बड़ हो जाती है। देखिए पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं, है 5-7 मिनट, इतना सा ये 5-7 लाइनें हैं, सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप वाली पूरी करते हैं फिर देव भक्ति से कल बढ़ेंगे। वहां शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से, अरे टोटरमल जी के इन पैराग्राफों की भी ये गजब की विशेषता है, जैसे देखो पहले दी ऊपर 2.25 लाइनें, सुनना बात, ये जो 2.25 लाइनें जो दी है ना, मैं आपको बताऊं ये 2.25 लाइनें दी है पंडित जी साहब ने पेज नंबर 248 तक, 221 से लेकर के 248 तक के प्रकरण के लिए ये 2.25 लाइनें दी है।
धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारवासी हेडिंग के नीचे ये सवा दो लाइनें 221 पेज से शुरू करके 248 नंबर पेज को समेटते हुए लिए। क्या ये सब उस सवा दो लाइन में? अब जो पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूं, इस पैराग्राफ में कहां से कहां तक का प्रकरण लिया है? बोले इस पैराग्राफ के अंदर प्रकरण लिया है 224 नंबर पेज तक का। जो पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप है ना, 224 नहीं, सुनो, सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं ना यहां पर, तो ये यहां पहले देवगुरु धर्म की चर्चा करेंगे और सात तत्व संबंधी भूल की भी चर्चा करेंगे, उनके लिए कॉमन हेडिंग दे दिया है। शास्त्र में देवगुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक्त्व होना कहा है, शास्त्र में कहा है साहब, मैं मानता हूं शास्त्र की बात को। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र्य, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य में सम्यक दर्शन कैसे होता है? बोले रत्नकरण श्रावकाचार्य का पढ़ा है हमने, श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। समझ में आई क्या अर्थ क्या है? श्रद्धानं, श्रद्धान किसका? परमार्थानां, परमार्थ से श्रद्धा किसकी? कि आप्तागम तपोव्रताम, आप्त आगम, आप्त माने देव, आगम माने शास्त्र, और तपोव्रताम तप को धारण करने वाले गुरु, इनकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन मस्मयम, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये बात हमने शास्त्र में पढ़ी है। तो कहते हैं देवगुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक्त्व होना का है शास्त्र में, और ऐसी आज्ञा मानकर, ऐसी आज्ञा मानी है उसने, अरिहंत देव, अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, और जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग कर दिया है इसने। ये कैसा व्यक्ति है? कुदेव को नहीं मानता, कुगुरु को नहीं मानता, कुशास्त्रों को नहीं मानता, उसका त्याग कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता भैया इनको, मैं नहीं पढ़ सकता भैया, ये सब खोटे शास्त्र हैं, रागादिक पोष कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास, मैं नहीं पढ़ता इनको, इनसे बचता है। सच्चे देवगुरु धर्म के आगे किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाता, सच्चे देवगुरु धर्म के आगे ही मस्तक झुकाएगा, बोलो। तो ये नमस्कार आदि का त्याग किया है, परंतु अब प्रॉब्लम क्या हो गई? अब तो सच्चे को ही मान रहा हूं ना सब, अब तो सम्यक दर्शन हो गया ना, अब तो रत्नत्रय हो जाएगा ना, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब? अब क्या प्रॉब्लम है? क्या अब क्या प्रॉब्लम है? बोले तू उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। क्या? गुणों और अवगुणों की परीक्षा नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्वज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। ये सब सम्यक दर्शन के संदर्भ में भूले हैं। शास्त्रों में देवगुरु धर्म लिखा है, शास्त्रों में तत्वार्थ की बात लिखी है, तो तत्वज्ञान पूर्वक सच्चे तत्वों को समझकर परीक्षा नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। अब ये बाह्य लक्षण द्वारा परीक्षा कैसे होगी? भैया हम तो मुनिराजों के भक्त हैं, भैया हम तो सच्चे गुरुओं के भक्त हैं, तो भैया हम तो हमारे दिगंबर मुनिराज को ही मानेंगे, हम तो पीसी कमंडल वालों को मानेंगे। अब तुमने नग्नत्व पीसी कमंडलत्व को सच्चा लक्षण मान लिया, असली लक्षणों की पहचान नहीं की। साहब सच्चे देव के, अरे हमारे देव जो होते हैं ये कपड़े वाले नहीं होते, हमारे जो भगवान हैं वे अस्त्र शस्त्र वाले नहीं होते, मैं सच्चे भगवान को मानता हूँ, वीतरागी जो जो प्रतिमा दिख रही है ना, ये प्रतिमा हमारी है, इस प्रतिमा को मैं पूजता हूँ वंदन करता हूँ। तो भैया तू बाह्य लक्षणों से परीक्षा कर रहा है, ये सब बाह्य लक्षण है, बाहर का नग्नत्व, बाहर का मूल गुणों का पालन, बाहर का ये सब होना, ये सब बहिरंग लक्षण है, इनसे परीक्षा कर रहा है। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं। अब ये जो बारीकियां हैं, यहां सुदेव की भक्ति में कौन से लक्षण से प्रवर्त रहा है? भक्ति कर रहा है सच्चे देव की, भक्ति कर रहा है सच्चे गुरु की, और भक्ति कर रहा है सच्चे शास्त्र की। देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता है और समझता है कि मैं सच्ची भक्ति कर रहा हूं, लेकिन जो उनमें दोनों तरह की बातें होगी,
जो सच्चे गुरु होंगे, जो सच्चे देव होंगे, जो सच्चे शास्त्र होंगे, उनमें दोनों प्रकार की बातें होगी। अब उन दोनों में से मूल को नहीं पकड़ा, और क्या पकड़ लिया इसने, बाह्य लक्षणों को से परीक्षा कर ली। तो इससे ये धर्मात्मा मानने वाले लोग हैं, अब इनकी जो भूलें हैं देव भक्ति के अन्यथा स्वरूप के संदर्भ में, देव की भक्ति क्या होती है, सच्ची भक्ति क्या होती है, फिर गुरु और शास्त्र भक्ति के क्या स्वरूप हैं, इनकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत मार्मिक प्रकरण है, जहाँ जहाँ अपनी भूल हो वहाँ वहाँ निकालते चलना, और जहाँ भूल नहीं हो वहाँ समझ लेना कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, सही लाइन पर चल रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। मैं विशेषकर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप 9:20 का अलार्म लगा करके रखिए अपने फ़ोन में। कोई 9:20 पर आते हैं, कोई 9:25 पर आते हैं, कोई 9:40 पर आते हैं, कोई 9:45 पर आते हैं, धीरे 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 आते रहते हैं। फिर कोई कुछ सुनता है, कोई थोड़ा बहुत, जितना हाथ लग जाए उतना अच्छा से काम नहीं चलेगा। सच में यदि आपको गहराई से समझना है तो फर्स्ट लाइन मंगलाचरण से जब तक नहीं सुनेंगे ना, तब तक आपको एक एक बात ही समझ में नहीं आएगी। असली बात ही फिर वही हो जाएगा कि असली बात तो निकल गई, अब फिर ये बातें रह गई, ऐसा होगा। इसलिए भैया बराबर यदि आपको समझना है तो बराबर टाइम का ध्यान रखते हुए, आप लोग सब सुनते हैं मुझे मालूम है, आगे पीछे भी सुनते हैं बहुत सारे लोग, सब बराबर बहुत लोग लाभ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं खुद अलार्म लगा करके रखता हूँ अपने फ़ोन में, 9:15 का अलार्म है मेरे फ़ोन में, कहीं चूक नहीं हो जाए, आगे पीछे नहीं हो जाए। 9:15 मैं बिल्कुल सीट पर आकर के बैठता हूँ, फिर सेट करता हूँ, फिर सब चीज़ें, फिर उसके अंदर सब्जेक्ट डालता हूँ, टाइम डालता हूँ, फिर उसको शुरू करता हूँ। तो मैं जो करता हूँ वो आपको बतला रहा हूँ, और इसलिए बतला रहा हूँ कि ये प्रकरण बहुत मार्मिक है, प्रयोजन भूत है। हम सब अपने प्रयोजन की सिद्धि करने में सफल होंगे, क्योंकि भूल निकालने वाले ऐसे डॉक्टर हमारे को मिल गए हैं टोडरमल जी जैसे, तो फिर भूल क्यों नहीं निकलेगी, अवश्य निकलेगी। तो हम सब इस भूलों को सुधार कर अल्पकाल में रत्नत्रय पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति करें, इस भावना से विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।